ईशा जी पीछे पीछे अजय पीछे बहुत मस्त खेला आपने। दिमाग से खेला आपने, अच्छे से खेला। थैंक यू। कैसे आप लोग? एकदम मस्त। आप बताएं। देखो किसी ने नहीं कहा, सिर्फ यही लड़का बड़ा अच्छे लगे, उसकी मम्मी भी है पीछे, वो कहे आ बेटा तेरे को मैं बताऊं। और भारती जी नहीं मेरे ऊपर वाले, भारती जी कैसे हो? थोड़ा अरे वाह, मेरे पे ध्यान आया आपका, तू अपने वाला मेरे पे ध्यान आया। सरे जी चिंटू भी आए थे इंटरव्यू देने, कोई शिकायत थोड़ी, पता था नहीं था। चिंटू से मिल रहे हो कि नहीं बाहर? नहीं अभी मिली नहीं, उसको मिलूंगी थोड़ी देर, इंटरव्यू तो खत्म करो सारा, इंपॉर्टेंट है। और कोई भाई? हाँ जी। बस बोलते नहीं ना, वो चुप रहते हैं। पर होता है कि कैसे, कितनी देर हंसे ये कुछ बोल रहा है, ये कुछ करो ना, इसे लग रही है इधर तो क्या बोलो यार, विटामिन सी लग रही है। और आज हम सारे बड़े खुश हैं कि विटामिन सी हमने भर भर के लिए है। और ईशा के साथ इतना फनी पॉडकास्ट था, और ये पहला पॉडकास्ट था जिसमें हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक बार पूछा ये ईशा कैसी हो, इतना बोली भाई, इतना बोली, सवा घंटा बोली है लड़की, और अभी भी थकी नहीं है, अब भी कहीं जा रही है बोल रही है। हम 24 घंटा भी देखते हैं ना, बहुत ज्यादा बात करने की आदत पड़ रहा है। ये तू पागल है क्या? वो तो काफी फेमस हो गया, कितना अच्छा मीम बना, किसी में कोई रो रही थी तो इसने कहा जा तू उसको चुप करवा जाके, और वो चला गया चुप करवा। भारती जी वो भी यार, भारती जी चिंटू क्या बोल के आया? हो गया बस। फर्स्टली ईशा मतलब बिग बॉस के फाइनल की रेस से थोड़े से आप रह गए, क्या बहुत ही कमाल की जर्नी थी आपकी, अब एंड डाउन वाली जर्नी। हाँ। कुछ बताना चाहोगे? आज पॉडकास्ट भी हुआ आपका, पॉडकास्ट हुआ बहुत बढ़िया, मज़ेदार पॉडकास्ट है, आएगा थोड़ी देर बाद इनके चैनल पे तो देखिएगा। एक्चुअली यार बहुत मैं डिसहार्टेंड हुई डेफिनेटली, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप सबको लगा कि मैं वहाँ उस पोजिशन पर होनी चाहिए थी, तो थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहोगे घर के, जिस तरह एंट्री हुई बीच में समर्थ की एंट्री हुई, उसके बाद काफ़ी कुछ बदलाव आया आपके गेम पे? बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे मेरी पूरी जर्नी में यार, बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बट आई एम हैप्पी कि घर से दूर रह के मैंने एक बार सर्वाइव करके देखा, इतनी चीज़ों को फेस किया, तो इट वाज गुड, इट वाज वेरी नाइस। भारती जी आप काफ़ी सबसे करीब कितनी जो बनाई है इनके पास ही सबसे करीब पत्ते खींच के मैं ये पत्ता बस क्या आपके लिए जान भी आ रहे जान चलो ठीक है लेते हैं। भारती जी आप काफ़ी करीब से लोगों को लेके, जो टॉप 5 अब जो घर पे है सबसे वेल डिजर्विंग आपको लगते हैं जो अभी है? हाँ, अरुण हाँ, है, उसमें मनारा है, एक दो लोग हैं जो निकल गए पहले, मुझे लगता है कि वो भी होने चाहिए थे, बट हम मैं इतना मतलब देखती हूँ जब भी टाइम मिले, पर इतना देख नहीं पाते, लेकिन जो लोग पूरा फॉलो करते हैं ना उनको सच में पता है, और लोग खुश हैं कि जो लोग हैं ईशा जितनी उसकी जर्नी थी उतनी रही, और वो ज़्यादा खुश है बाहर निकल के। नहीं ऐसा नहीं, मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है यार, नए नए चेहरे देख रहे हैं। नहीं नहीं हो अब वाइल्ड कार्ड नहीं, बस आपने अभिषेक की अब जो जर्नी बताते हैं बिग बॉस में, उसमें जब आपका जितना भी जिक्र हो रहा था उनके आँख में मैंने आंसू देखे थे, इमोशनल थे आपको देख देख के वो, आप अगर वो काफ़ी दूर तक आए अभिषेक मुनावर, कुछ अगर बताना चाहोगे उनकी जर्नी के बारे में? उन दोनों की ये जर्नी अपनी अपनी जगहों पे बहुत डिफिकल्ट रही है, मेरे साथ जो हुआ शो में एक अनसेट सरप्राइज मुनावर ने भी फेस किया है, एंड मैं घर में थी, मुझे पता है कि वो दुनिया और बाहर की दुनिया कितनी डिफरेंट है, बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी चीज़ों को फेस करना, प्लस आपको पता है कि यार बाहर अभी क्या नरेटिव बन रहा होगा, क्या नहीं बन रहा होगा, लोग क्या सोच रहे होंगे, तो उन सब चीज़ों को दिमाग में रख के वहाँ पर बने रहना बहुत बड़ी बात है, तो सब पांचों लोगों को। अंकिता जी ने भी आपको काफ़ी सपोर्ट किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा था कि अगर किससे मेरे रिश्ते बने हैं तो वो ईशा से काफ़ी करीब रिश्ते बने, आप कुछ बताना चाहोगे इतने मुझे आई थिंक उनके और मेरे रिश्ते के बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आई एम हैप्पी कि मैं बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पर गई, और वहाँ से बाहर आते आते दो मैं इतने क्लोज लोगों को बाहर लेकर आई हूँ, विच इज़ विक्की भाई एंड अंकिता जी, तो मैं चाहती हूँ कि वो जीते। टॉप टू कौन है आपके और विनर? मेरे हिसाब से इट्स मुनावर है आपने काफी करीब से घर को देखा है लेकिन अच्छे है सब लोग अच्छे हैं, जो ये लोग ना 24 घंटे वहाँ पे रहते हैं और जो दिखाया जाता है 1 घंटा उसमें हमें पता चलता है बहुत अच्छे लोग हैं बीच में, बहुत अच्छे हैं, हम जितनी बार भी अंदर गए ना ऐसे नहीं कि मैं तुमको बोल रही हूँ, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आई,
पहले मैंने ऐश्वर्या आई थी, मैंने उनको भी बोला था आप और नील ना मुझे ऐसे लगते थे कि बड़े लड़ाकू के, लेकिन जब मैं अंदर गई ना उनको मिलने और एक टास्क करवाया तो सारे बड़े अच्छे हैं। सिचुएशन ऐसी होती है ना, अच्छे मोमेंट्स दिखाए नहीं मुझे। आपके टॉप थ्री कौन है? देखो फिर बोल रही है भारती जी, टॉप थ्री आपके? टॉप थ्री नहीं, मैं तो कहती हूँ कि जो इतने तक आए मैं तो टॉप फाइव ही मेरे लिए बहुत अच्छे हैं वो, बट मैं जहाँ तक देख रही हूँ और जो वायरल हुए हैं वो है अंकिता और मुनव्वर बहुत ज़्यादा। टॉप टू भी मुझे लगता है यही है, लेकिन अगर अभिषेक भी खड़ा रहता है तो कोई चौंकने वाली बात नहीं, हो सकता है और मुनारा भी हो सकती है और अरुण भाई भी मेरे सारे ही हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। और बाहर आपके छाती पे पैर आएगा हमारा। उसने सुंदर जुत्ती पहनी और मेरी चप्पल है, बहुत अच्छी है। कैसे बढ़ रहा है इंडिया टुडे से फोन आया, एक हाथ से रिकॉर्डिंग चल रही है। भारती जी सेंटर हो गया भाई साहब, चलो भाई थैंक यू बाय। उनको जाना है रिहर्सल है उनकी, जा रही हूँ मैं फिनाले की रिहर्सल में, परफॉर्मेंस। हाँ उधर देखोगे ना, अभी बता फिल्म सिटी ना आता हूँ। किसके साथ होगा आपका डांस? चिंटू क्या बोलूं उसके लिए, मैं आपसे इतना प्यार करते थे, मैं भी करती हूँ बिग बॉस में, बहुत प्यार करते थे आपसे। उनकी मम्मी डंडा लेके आ रही है, थैंक यू। और आप कल विक्की भैया से मिले? हाँ परसों। और बीच में आयशा जी भी थी फोटो में, ये भी पूछा था। चार लड़कियां थी, सना भी थी, सना और उनके फ्रेंड्स भी थी, कजिन्स और फैमिली भी। यस यस यस, सना भी थी पार्टी में। अंजलि दीदी आने के बाद अंकिता क्या बोलेंगी, उसका डर है या नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी मम्मी भी वहां थी, अंकिता जी और हम भी थे। अंकिता जी ने बोला है 5 दिन के फुटेज देखेंगे वो। मुझे कहीं जाना है मेरा, बहुत